क्यों रोज रोज आ जाता है तू? अरे कोई खत वत नहीं आ रहा तेरी बेटी का यहाँ पर? अरे पिछले 5 सालों में ना जाने कितनी चप्पलें किसी होगी तूने। अरे कोई फायदा नहीं, अगर बेटी का खत आना होता ना तो 5 साल पहले ही आ जाता, समझे अली भाई यार? जनाब उसी एक आस में तो जी रहा हूं कि मेरी बेटी कब तक आएगा, वरना कब का मर जाता साहब, वरना कब का मर जाता। अरे चाचा ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे, अभी आप चलिए, तब तक बंद करने का समय हो गया। क्या बाबा कर देती है, भाग यहां से। अरे श्रीधर, आजकल अली दिखाई नहीं देता और ना ही उसकी वो साइकिल। कौन वो बुड्ढा? अरे ऐसा सबक सिखाया उसे, दोबारा पटकेगा नहीं यहाँ। अरे साहब रोज आ जाता था यहाँ अपनी मनहूस शकल लेकर, सारा दिन खराब कर देता था कंबल। मेरी जिंदगी भर की कमाई है, अल्लाह की मौजूदगी में मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटा,
मेरी बेटी का खत आएगा तो ये तुम उसको उसके पते पे भिजवा देना, बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। और चाचा खत? खत उसका तो बेटा मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, उसे तो मेरे पास भिजवा देना। अच्छा बेटा चलता हूँ मैं, मेरे जाने का वक्त है। फतेहपुर में फैली महामारी, नेहरू सरकार ने किए आने जाने के रास्ते बंद। अरे पोस्टमास्टर साहब, आपकी बेटी भी तो फतेहपुर ब्याही हुई है ना? साहब ये कुछ खत आए हैं। खत? लक्ष्मण ये खत मुझे दो। साहब ये मेरा काम है। ये खत मुझे दो। अरे अली मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अरे ऐसी खबर लेके आया हूँ कि तुम खुशी के मारे मर ही जाओगे। अरे क्या हो गया पोस्टमास्टर साहब, किससे बात कर रहे हैं? अरे लक्ष्मण देखो कौन आया है, अपना अली आया है। अरे क्या बात कर रहे हैं पोस्टमास्टर साहब, अली को तो मरे हुए 2 महीने हो गए।